हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं ना? अच्छा बच्चों, आपको जो भी पढ़ाई से संबंधित वीडियो भेजे जा रहे हैं, आपको सब समझ में आ रहे हैं ना? उनको सब देख रहे हैं ना, समझ रहे हो और अपना असाइनमेंट भी पूरा कर रहे हो? ठीक है, आज हम हिंदी में पार्ट दो पढ़ेंगे, वर्ण विचार। बच्चों, इससे पहले हमने पहला पार्ट पढ़ा था भाषा, जिसमें हमने जाना कि भाषा का विकास कैसे हुआ, कैसे मनुष्य पहले इशारों से अपनी बात एक दूसरे को समझाते थे और फिर धीरे धीरे उसने अपने मुख से निकलने वाली ध्वनियों को वर्णों का, चिन्हों का रूप देना शुरू किया। ठीक है, पहले मौखिक भाषा का विकास हुआ और उसके बाद लिखित भाषा का विकास हुआ। तो बच्चों, जब भाषा को लिपिबद्ध किया गया तो मनुष्य ने सबसे पहले वर्ण की रचना की। वर्ण क्या होती है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण जैसे क, ख, ग, घ, ए, आ, ई, ठीक है, सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि हम इसके और खंड नहीं कर सकते, इन वर्णों के हम और टुकड़े नहीं कर सकते। और जब इन्हीं वर्णों को हम व्यवस्थित क्रम से लिखते हैं तो हम उसे वर्णमाला कहते हैं। हमारी हिंदी की वर्णमाला में हम दो प्रकार के वर्ण पढ़ते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर ए आ ई ई उ ऊ और व्यंजन क ख ग घ ण, ठीक है। इन स्वरों और व्यंजनों को ही जब हम व्यवस्थित क्रम से लिखकर पढ़ते हैं तो हम उसे वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित क्रम जैसे ए आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं गः, क ख ग घ ण च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प प ब भ म य र ल व श श स ह छ त्र ज्ञ, ठीक है। ये हमारी पूरी वर्णमाला है। सबसे पहले आते हैं हमारे स्वर। स्वर भी तीन प्रकार के होते हैं। स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व यानी छोटा, है ना। ह्रस्व का मतलब क्या होता है? छोटा। छोटे से मतलब है कि ऐसे स्वर, ऐसे वर्ण जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में चार होते हैं, अ, ई, उ और री। दूसरे हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ह्रस्व का मतलब छोटा और दीर्घ यानी बड़ा, ठीक है। दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, यानी जितना समय हमें ह्रस्व स्वर को बोलने में लगता है उससे दुगना समय हमें दीर्घ स्वर को बोलने में लगता है। ये संख्या में सात होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हैं हमारे दीर्घ स्वर। अब आते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वो होते हैं जब हम अपनी बात को, अब हम अपने किसी शब्द को थोड़ा सा खींच कर बोलते हैं, थोड़ा सा उसको जोड़ लगाकर बोलते हैं। जैसे सुनो, राम, ओम, ठीक है। जब हम अपने स्वर को थोड़ा सा खींचते हैं, थोड़ा सा उसको लय देने की कोशिश करते हैं तो हम प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। अब है व्यंजन। व्यंजन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार का चिन्ह होता है बिंदु। जब हम शब्दों के ऊपर, शिरो रेखा के ऊपर बिंदु लगाकर कोई शब्द बनाते हैं तो उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे रंग, पंख, गंध, नारंगी आदि। अब है अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह होता है चंद्रबिंदु, ठीक है। चंद्रबिंदु को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक। जैसे दांत, सांप आदि। अब है विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह होता है ये दो बिंदु, ठीक है। इसका उच्चारण हम है की तरह करते हैं और इनका प्रयोग वैसे तो संस्कृत भाषा में किया जाता है अधिकतर, लेकिन जो तत्सम शब्द है, तत्सम मतलब जो सब शब्द संस्कृत से आए हैं, उनके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे प्रातः, अतः, स्वतः, अंततः
आदि। उसके बाद आती है आगत ध्वनि। आगत ध्वनि का प्रयोग चंद्राकार होता है इसका चिन्ह, चंद्र बिंदु में तो हम चंद्र बनाकर बिंदु लगाते हैं, लेकिन आगत ध्वनि में हम केवल चंद्राकार का चिन्ह बनाते हैं, उसके ऊपर बिंदु नहीं लगाते। इनका प्रयोग हम अंग्रेजी के शब्दों को लिखने के लिए करते हैं, जैसे हॉल, बॉल, डॉक्टर आदि। ठीक है, तो वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में दो तरह के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के तीन भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और क्लुत। अनुस्वार जिसका चिन्ह होता है बिंदु, अनुनासिक जिसका चिन्ह है चंद्र बिंदु, विसर्ग जिसका चिन्ह है ये दो बिंदु, और आगत ध्वनि जिनका प्रयोग हम अंग्रेजी शब्दों को लिखने के लिए करते हैं। ठीक है बेटा, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे बच्चों। व्यंजन हम अगली क्लास में सीखेंगे, तब तक आप इन सबको अच्छे से पढ़िए, इनकी परिभाषाएं याद करिए और इनको अच्छे से आत्मसात करने की कोशिश करिए। ओके, थैंक यू।